Okay, I'm ready for my today work. Let's start the scooty. Fuel bhi lena hai. Let's go. Well, good morning everyone, welcome to my YouTube channel. आज हम जा रहे हैं गौशाला. गौशाला के लिए बर्दीबास होते हुए गौशाला जाएंगे एंड बीच में कल वाला रूट फिर से पड़ेगा महेंद्रनगर एंड ढलके हुए. बट बिफोर दैट फ्यूल लेना है यार. पहले चलते हैं फ्यूल लेते हैं उसके बाद फिर. ये रहा पेट्रोल पंप. तीन से अंकल जी अगले. चलो फ्यूल भी ले लिया. हाँ, हम निकल चले अब अपने काम की तरफ. मौसम भी बढ़िया है, मौसम साफ है, बादल क्लियर दिख रहा है. रूट फिर से बता दूँ, रूट वही है आज का है ना, महेंद्रनगर ढलकेवर होते हुए बर्दीवास होते हुए गौशाला जाना है. गौशाला में काम है, फिर वहाँ पे काम ख़त्म करके एंड आई विल बैक अगेन टू माई जनकपुर. जनकपुर से बर्दीवास का जो रास्ता है वो थोड़ा सा बोरिंग है, ऑलमोस्ट सीधा सीधा रास्ता है. मौसम साफ़ है तो मतलब आप अगर इस रोड पे निकले हो तो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना आपको एकदम क्लियर नज़र आएगा. ऐसे तो आज तो मौसम साफ़ है, बादल भी एकदम बहुत प्यारे दिख रहे हैं. एंड आई डोंट नो आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बट ये अगर दिख रहा है तो यू कैन सी द माउंटेन्स हिल है ना, पहाड़ है. पहाड़ों में क्या करते हैं जो वो बादल दिख रहे हैं बहुत प्यारे लग रहे हैं यार. एंड आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीकेंड. इस वीकेंड तो पॉसिबल नहीं है बट कि शायद इसी वीकेंड हम निकलेंगे पहाड़ों पे. ये तो हम लोग आ गए महेंद्रनगर में. महेंद्रनगर के बाद में फिर ढलकेवर के बाद तब आएगी बर्दीवास एंड बर्दीवास से आगे है हमारा गौशाला के लिए वैसे क्रॉस करना पड़ता है, एक टर्न लेना पड़ता है, लेफ्ट टर्न लेना पड़ता है. तो आगे वीडियो में बताएंगे टर्निंग कहाँ से है. वैसे गौशाला वाला जो रूट है ना टर्न के बाद में वो भी बहुत प्यारा है. क्यों प्यारा है थोड़ी देर में बताते हैं. अच्छा, यहाँ महेंद्रनगर में किसी से मिलना था, उसके लिए 5 मिनट रुके थे, मिल लिया. अब निकल रहे हैं फिर अपने डेस्टिनेशन गौशाला की तरफ. तो मैं ये कह रहा था कि मतलब गौशाला वाला जो रोड है ना, जो रोड गौशाला की तरफ जाती है, वो पर्सनली मेरे को बहुत पसंद है. क्यों कि वहाँ पे दोनों तरफ से तो जंगल है. एक छोटा सा ओवरब्रिज है वहाँ पे, ओवरब्रिज तो नहीं है, वहाँ से ट्रेन पास होती है. छोटा सा मतलब क्या बोलूँ, पुल टाइप का बना हुआ है, देखने में प्यारा लगता है. तो व्हेन वी विल रीच देयर, जब वहाँ पे पहुँचेंगे तब हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या है एंड क्यों मुझे पसंद है पर्सनली.
मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मतलब ज़्यादा कम्युनिकेट करने की आदत थी नहीं शुरू से, है ना। बहुत ज़्यादा बोलने का आदत था नहीं मेरा। एंड मोटो व्लॉगिंग ऐसा है कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ बोलना रहता है, मतलब बोलते रहना पड़ता है, क्योंकि बिना बोले अगर वीडियो बना रहे हैं तो वो थोड़ा सा अजीब सा वियर्ड सा लगता है और मज़ा भी नहीं आता है। तो अभी क्या है कि नहीं बोलने की आदत से, नहीं बोलने के कारण से अभी क्या है कि मतलब स्टार्टिंग है मेरा मोटो व्लॉगिंग का, तो थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है। ऐसा होता है कि मतलब क्या बोलूँ, क्या बताऊँ आप लोग को, है ना। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा, अब कुछ अच्छी बातें करेंगे, कुछ आने वाले ट्रिप्स वगैरह की बातें करेंगे। अब एक सुंदर सा एरिया नज़र आएगा जो कि पर्सनली मेरे को बहुत पसंद है। जब भी इधर ये बर्दीवास जनकपुर टू बर्दीवास वाली रूट पे निकलता हूँ तो ये एरिया जो है ना, ये एरिया बहुत प्यारा लगता है मेरे को, है ना। और ये हम आ गए, ये ओपन एरिया है ना, पूरा खुला है, बस ये बीच में रोड है और दोनों तरफ एकदम ओपन है, तो अच्छा लगता है ये। आप बताना आपको कैसा लग रहा है ना, कॉमेंट करना। रिएक्शन वीडियो बनाते हुए अभी नया तो लोग जब देखते हैं तो देख के थोड़ा अजीब भी लगता है, अच्छा भी लगता है। धीरे धीरे इसका भी जब आदत पड़ जाएगा तो खैर इससे कोई इफेक्ट, धीरे धीरे जब इसका भी आदत पड़ जाएगा तो ये उतना खास नहीं रह जाएगा। जो अभी जो ये फीलिंग्स आती है कि हाँ लोग देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, अब कोई क्या सोचता है वो तो खैर नहीं पता, पर देखने वाले तो देखते ही रहते हैं, अरे क्या कर रहा है बंदा, इसके हेलमेट में क्या लगा हुआ है। ये बर्दीवास 4 किलोमीटर रह गया बर्दीवास से कटता है सिंदूली का रास्ता, है ना। एंड वहीं पे महीना में एक बार का काम तो वहीं पे रहता है। तो फेस्टिवल का सीज़न आ रहा है अब तो, है ना, कुछ दिन के बाद में ही अब दशहरा शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारे फ्रेंड्स ने अलग अलग प्लान बना रखे हैं, कोई केदारनाथ जा रहा है, कोई क्या कहते हैं ABC कैंप के लिए बोल रहा है, और हमने मुझे जाने का मन था क्या कहते हैं कि पाथीवारा जो लामजुंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पाथीवारा टेम्पल, वहाँ वो भी जगह बहुत प्यारा है। तो देखते हैं क्या होता है। अब एक जो फ्रेंड ग्रुप है जिसमें मतलब मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है, प्रिंस है, रोशन है, तो ये लोग जा रहे हैं केदारनाथ। कुछ दिन पहले कॉल वॉल भी किया था दोनों ने और बात हुआ, तो सीन ऐसा हो गया कि मतलब एक ग्रुप से मैंने पहले से बात कर रखा था पाथीवारा के लिए, तो मजबूरी क्या कहते हैं वो ट्रिप प्रिंस लोग के साथ में कैंसिल करना पड़ गया। मन तो था केदारनाथ भी जाने का, पर अब दोनों जगह तो एक साथ में हो नहीं सकता है, पॉसिबल है नहीं। और एक पहले जहाँ मैं काम करता था तो वहाँ पे मेरे सीनियर्स वगैरह जो थे तो वो लोग के साथ भी बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, मेरे कलीग्स, मेरे जो सीनियर्स थे तो वो लोग के साथ भी बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। तो लास्ट टाइम जब मैं अपने होम टाउन गया था तो उन लोग से मिला था और उन्हीं लोग से बात किया था कि पाथीवारा के लिए, तो एग्री भी हुए थे, जाने के लिए बोले थे। सीन सिचुएशन क्या होता है देखते हैं, एक दो दिन में कन्फर्मेशन आएगा। एक जो दूसरा ग्रुप है तो वो लोग को जाने का मन है ABC कैंप। अब जो नेपाल से हैं उनको पता है, या बहुत से लोग को इंडिया वाले लोगों को भी पता होगा ABC कैंप क्या है। बहुत ही ऑसम प्लेस है ABC कैंप, अन्नपूर्ण बेस कैंप। तो अन्नपूर्ण बेस कैंप भी जाएंगे, अब देखते हैं। इस बार तो ना ही लगता है, 50-50 चांसेस है अन्नपूर्णा बेस कैंप और ये पाथीवारा का। अगर पाथीवारा कंफर्म हो जाता है तो अन्नपूर्णा बेस कैंप छूटेगा, और अगर अन्नपूर्णा बेस कैंप होता है तो पाथीवारा छूटेगा। तो देखते हैं क्या होता है।
हम आ चुके हैं बर्दी पास। ओके, बर्दी पास तो मैं आ गया। आगे से अगर हम राइट टर्न लेते हैं तो ये रास्ता जाता है सिंदूरी की तरफ, और इससे आगे जाते हैं 4-5 किलोमीटर आगे जाएंगे तब जाके आएगा गौशाला का रास्ता। इस बार क्या हो गया है कि इस बार मतलब फ्रेंड्स डिवाइड हो गए हैं। लगभग 2 साल पहले एक ट्रिप हमने किया था, हम लोगों ने किया था, फ्रेंड्स सारे मिलके किए थे, वो था मुक्तिनाथ का मुस्तांग का ट्रिप। उस वक्त से बहुत लंबे टाइम से वैसे तो सोच रहा था व्लॉगिंग चैनल क्रिएट करने के लिए, पर उस वक्त नहीं कर पाया। एंड मन तो तब उस वक्त भी था, बहुत था कि व्लॉगिंग चैनल तभी से स्टार्ट करूँ, क्योंकि वो पहला ट्रिप था और मतलब नेपाल का सबसे बेस्ट जगह, अगर किस बोलते हैं स्वर्ग जो बोलते हैं लोग कहते हैं कि मतलब अगर जन्नत है नेपाल में तो वो है मुस्तांग में। तो मुस्तांग हमारा पहला ट्रिप था, पहला टूर था, वहाँ गए, इन्जॉयमेंट भी बहुत हुआ, और उसमें जो हमारे जितने भी फ्रेंड्स थे, तो अभी प्रेजेंट में क्या है कि मतलब वो ग्रुप ही मतलब डिवाइड हो गया है। एक ग्रुप जा रहा है उसमें से क्या कहते हैं केदारनाथ, एक ग्रुप का प्लानिंग है क्या ABC कैंप के लिए। उस वक्त लगभग 5 जन थे हम लोग, 5-6 जन थे जो हम लोग गए थे मुक्तिनाथ। हिटौरा 126 किलोमीटर। हिटौरा में भी बहुत प्यारे प्यारे जगह हैं घूमने के लिए, हिटौरा भी ट्रिप मारेंगे आने वाले टाइम में। फुल जंगल है यार, इधर भी देखो तो जंगल, इधर भी देखो तो जंगल है। ओके, ये है गौशाला चौक, हम पहुंच गए। अब यहाँ से लेना है लेफ्ट टर्न, अब ये जो रास्ता शुरू होगा ना यहाँ से, ये बहुत बहुत प्यारा है यार ये रास्ता है ना। गौशाला जल स्टेशन यहाँ से 46 किलोमीटर, गौशाला लगभग 16-17 किलोमीटर है यहाँ से। अब यहाँ से देखना, अब ये जो रास्ता है इसमें ड्राइव करने में भी मज़ा आता है। दोनों तरफ कम पेड़ है ना, जंगल है, जंगल बोलो या हाँ जंगल ही बोलो, हाँ रास्ता भी बहुत अच्छा है। और आप जब भी इस रास्ते में आओगे ना, बहुत फ्रेश एयर मिलता है, हवा बहुत ताज़ा हवा रहता है, ड्राइव करने का भी एक अलग सुकून, एक अलग मज़ा आता है। और यही रीज़न है कि मतलब मेरे को ये पर्सनली ये वाला जो है इतना दूर का जो ये एरिया है ना गौशाला चौक से लेकर गौशाला तक का, ये बहुत अच्छा लगता है। ये जो चीज़ें इसके ऊपर से ट्रेन का ट्रैक है, कंप्लीट तो नहीं हुआ है, ऑन प्रोसेस है, बन ही रहा है।
77 किलोमीटर्स हम पहुंचने वाले हैं गौशाला। ये है आर्मी बैरक। हाय बफलोस। ऑलमोस्ट आई रीच गौशाला है ना, अब गौशाला का काम ख़त्म करते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं।